ये फैसला लिया है कि हर ट्यूसडे के दिन वो जो है सुंदरकंड और हनुमान चालीसा शिक्षा की जगह पर और स्वास्थ्य की जगह पर पढ़ाएंगे। आखिर आप में बीजेपी में क्या फ़र्क है? आप तो बीजेपी आरएसएस के डंडे पे चल रहे हैं। कोई कहता है कि सरयू नदी को जाऊंगा, कोई कहता है कि राष्ट्रपति को कि आप नासिक आ जाइए, और यहाँ पर दिल्ली में ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग सूरजकंड और हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे। तो इनमें और बीजेपी में आरएसएस में कोई फ़र्क नहीं रहा है। आप उन्हीं की आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं, आप कैसे मोदी को हराएंगे फिर? तो ये इनकी हिपोक्रेसी है। और मैं देश के जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि अब सिर्फ लड़ाई हो रही है, मेजॉरिटी कम्युनिटी कोड को कैसे हासिल किया जाए? ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व नहीं है तो क्या है? और ये अभी भी वक्त है कि हमारे देश के जो सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई हैं, दलित भाई हैं, ओबीसी भाई हैं और ख़ास तौर से मुसलमान हैं, उनको देखना चाहिए। इसका जिम्मेदार किसको खड़ा करेंगे आप? कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी आप मुझ पर लगा देते, बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की पॉलिटिक्स हो रही है, आप कैसे बीजेपी को आइडियोलॉजी पे आरएसएस को रोकेंगे इस देश में?